गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सुप्रभात प्यारे बच्चों। सारे बच्चे एक एक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के फॉर्म्स। ये टॉपिक आपको पहले नहीं पढ़ाया गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ लीक से हट के मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ। Forms of government. In the history of mankind, there have been three main types of government. अगर देखा जाए तो इतिहास को अगर पढ़ा जाए तो मुख्यतः तीन प्रकार के government होते हैं, ठीक है। सेकेंड वन डिक्टेटरशिप, ठीक है, और तीसरा हो गया डेमोक्रेसी। ये तीन प्रकार के गवर्नमेंट होते हैं जिसके बारे में हम लोग अभी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है मोनार्ची सिस्टम। मोनार्ची हैज बीन द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अंटिल रिसेंटली। कुछ वर्षों पहले तक मोनार्ची सिस्टम जो था यह पूरे विश्व में करीब करीब फैला हुआ था और यह कॉमन था। इन अ मोनार्की द किंग और क्वीन हैड द एब्सोल्यूट पावर टू रन द कंट्री। मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, जो उस देश की जो राजा, उस देश का जो राजा होता है या वहाँ की जो रानी होती है, उसके पास सारा पावर होता है। When the monarch died, the power automatically passed on to the eldest child, usually the eldest son of the monarch. जब किसी भी देश का राजा मर जाता है तो उसका जो सत्ता का जो हस्तांतरण है वो अपने आप उसके बड़े बेटे, सबसे जो बड़ा बेटा होगा, उसके हाथों में चला जाता है। All the decisions were taken by the monarch. जितने भी डिसीजंस जो होते हैं वो राजा के द्वारा ही लिया जाता है। Although they had a group of advisors as their council of ministers, यद्यपि ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स होते हैं और कई साले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्रिमंडल होता है, they were not obliged to follow them, लेकिन वे उन्हें फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो सभी फॉलो करते हैं मोनार्च को। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट वॉज दैट द पीपल हैड नो राइट टू चूज दियर रूलर। इसमें जो सबसे मुख्य जो कारण है, जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो यह है कि लोगों को अपना राजा चुनने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इवन इफ द हीयर ऑफ अ मोनार्च वॉज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू रूल, पीपल हैड टू एक्सेप्ट हिम एज दियर रूलर। यहाँ तक कि किसी राजा का बेटा अगर राजगद्दी संभालने के काबिल नहीं है, तब भी किसी न किसी तरह से सारे सिटीजन्स को उसे अपना राजा मानना पड़ता है। भूटान हैज दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी भूटान जो एक छोटा सा देश है, ठीक है, वहाँ पर
यही मॉनेटरी सिस्टम ही चलता है। उसके बाद है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मीन्स सैन्य तानाशाह। तानाशाह इन अ डिक्टेटरशिप द पावर रेस्ट्स विद वन पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव ऑब्टेंड द पावर बाय फोर्स। डिक्टेटरशिप में जो सारी शक्तियाँ होती है वो किसी एक ऐसे व्यक्ति या एक कह सकते हैं कि एक समूह के पास जो है सारी शक्तियाँ रहती हैं। अ डिक्टेटर डज नॉट इनहेरिट द थ्रोन एज इन द केस ऑफ मोनार्ची। जिस प्रकार मोनार्ची में एक राजा के मरने के बाद सारा बागडोर जो है अपने आप उसके बड़े बेटे के हाथों में चला जाता है, उस तरह से डिक्टेटरशिप में नहीं होता है। पीपल हैव नो से इन चूजिंग द गवर्नमेंट। सरकार चुनने में लोगों का कोई योगदान नहीं होता है। दोज हु चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द डिक्टेटर हैव टू फेस द कंसिक्वेंसेस। वैसे व्यक्ति जो कि डिक्टेटर के विरुद्ध जाता है उसे कई प्रकार से सजा भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान हैज़ बीन रूल्ड बाई दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द पास्ट। पिछले कई वर्षों में पाकिस्तान में ऐसा हो चुका है। इटली एंड जर्मनी ऑल्सो विटनेस्ड डिक्टेटरशिप अंडर मुसोलिनीज एंड हिटलर्स रूल रिस्पेक्टिवली। इटली और जर्मनी दो ऐसे देश हैं जहाँ के लोग डिक्टेटरशिप की गवाही बने, किसके शासनकाल में, तो मुसोलिनी और हिटलर के रूल में। उसके बाद है डेमोक्रेसी, द थर्ड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यह सरकार का सबसे प्रसिद्ध शासन व्यवस्था है। इन आवर डेमोक्रेसी पीपल हैव द पावर टू चूज दियर ओन गवर्नमेंट। यानी कि डेमोक्रेसी में लोगों के पास वोटिंग का अधिकार प्राप्त होता है और वो वोट के द्वारा अपने रूलर को चुनते हैं। द अल्टीमेट पावर लाइज विद पीपल एज ईच एडल्ट हैज द राइट टू वोट। सारी शक्तियाँ जो है लोगों के हाथों में होती है और सारे एडल्ट व्यक्ति को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल फॉर इट्स एक्शंस। यानी कि अपने एक्शन के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट खुद जिम्मेवार होता है और उसे लोगों को जवाब भी देना पड़ता है। डेमोक्रेसी मे बी डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी डायरेक्ट भी हो सकता है या रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा भी हो सकता है। द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस मीनिंग पीपल एंड क्रेटोस मीनिंग रूल। डेमोक्रेसी की उत्पत्ति एक ग्रीक वर्ड से हुई है। पहला है डेमोस जिसका मीनिंग होता है पीपल लोग, और क्रेटोस मीनिंग रूल मीन्स रूल ऑफ पीपल लोगों का शासन। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन एथेंस इन 505 BCE। सबसे पहली बार डेमोक्रेसी का यूज़ जो है एथेंस में हुआ था 505 BC बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट के जन्म से 505 वर्ष पहले। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एवरी एडल्ट सिटीजन वोट्स ऑन एवरी इश्यू ऑन विच डिसीजन हैज टू बी टेकन। एक जहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है तो वहाँ पे हरेक लोग जो है, हरेक एडल्ट सिटीजन अपना अपना कीमती वोट जो है देते हैं, हरेक डिसीजन में हिस्सा भी लेते हैं। हाउएवर दिस सिस्टम वर्क्स ओनली इन कंट्रीज विद अ स्मॉल पॉपुलेशन। फिर भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी वही लागू किया जाता है जब देश छोटा होता है, जिसका पॉपुलेशन कम होता है। मोस्ट कंट्रीज हैव द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन विच पीपल इलेक्ट दियर रिप्रेजेंटेटिव बाय वोटिंग। अधिकांश जो देश होते हैं वहाँ
डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव होता है और उसमें लोग जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव वोट के द्वारा खुद चुनते हैं। दिस रिप्रेजेंटेटिव टेक्स डिसीजंस ऑन दियर बिहाफ, और वह रिप्रेजेंटेटिव जिसे हम चुनते हैं वो हमारे बदले डिसीजन लेता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैन फर्दर बी ऑफ टू टाइप्स। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को भी हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। इट कैन बी अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। सबसे पहला तो हो गया इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम, इन विच द गवर्नमेंट इज रन बाय द प्राइम मिनिस्टर विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, प्राइम मिनिस्टर्स और उसके जो मंत्रिमंडल में जो मंत्रिमंडल की जो टीम होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, उसके द्वारा जो है देश को चलाया जाता है, सरकार चलाया जाता है। द अदर वन इज द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन विच द प्रेसिडेंट हेड्स द गवर्नमेंट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। और दूसरा रूल है इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है, जिसमें सारी शक्तियां जो है पूरी शक्तियां प्रेसिडेंट के हाथों में होती है और वही डिसीजन वगैरह लेता है और उसे लेजिस्लेचर से भी छूट मिलता है। उसके बाद है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसके द्वारा हम वोट करते हैं। तो आइए इसके बारे में भी जाना जाए। सफरेज और फ्रेंचाइज इज द राइट टू वोट। सफरेज या फ्रेंचाइज का मतलब होता है वोट का अधिकार। इन इंडिया वी हैव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज विच मीन्स दैट ऑल द एडल्ट सिटीजंस ऑफ आवर कंट्री हैव द राइट टू वोट। भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत हम लोग वोट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति 18 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं या उससे ऊपर के हैं उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। दिस सिस्टम इज प्रेवलेंट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज नाउ। यह सिस्टम अब अधिकांश देशों में लागू किया जा रहा है। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। लेकिन यह हमेशा ऐसा ही नहीं था। देयर वॉज अ टाइम वेन द गवर्नमेंट्स डिड नॉट अलाउ वीमेन एंड पुअर पीपल टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। एक समय था जब सरकार किसी स्त्री को या किसी गरीब व्यक्ति को इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होने देती थी। There was a time when the governments did not allow women and poor. For example, during the British rule, few Indians had voting rights. अगर आप example के तौर पर देखें तो आप पाएंगे कि British rule के समय बहुत कम ही भारतीय ऐसे थे जिनको voting देने का अधिकार प्राप्त था। The British allowed voting rights to men who were educated and who owned property. British ने, अंग्रेजों ने उन लोगों को, उन भारतीयों को वोट देने का अधिकार दिया जो शिक्षित थे और जिनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, वही वोट दे सकते थे। गरीब लोग और जो अनएजुकेटेड थे वो, और इसके अलावा बच्चे, औरतें, इनको वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। सिंस द वीमेन डिड नॉट हैव द राइट टू ओन प्रॉपर्टी दे कुड नॉट वोट आइदर। चूंकि महिलाओं के नाम से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होता था तो इसीलिए उन्हें, महिलाओं को, वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था।
the 19th century, reforms were introduced and the voting rights were extended to a large number of people. 19th century में सुधार किया गया और वोट का अधिकार जो है बहुत सारे लोगों को दिया गया. Although women got the right to own property, they were still not allowed to vote. यद्यपि औरतों को भी, औरतों की भी संपत्ति पर अधिकार हुआ है, लेकिन फिर भी अभी तक उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था. It was argued that since the man voted on behalf of the whole family, a woman needn't vote separately. ऐसा आर्ग्यूमेंट किया गया कि चूंकि उस परिवार का मुखिया यानी कि पुरुष जो है वोट करता ही है, तो महिलाओं को अलग वोट देने का अधिकार क्यों प्राप्त हो, यह आर्ग्यूमेंट दिया गया उस समय. In India, steps were taken to include all sections of society in the election process and universal adult franchise was introduced after independence. भारत में कई सारे steps जो है लिए गए और जिसके द्वारा खास करके जो हमारे समाज में जो इलेक्शन होता है उस प्रोसेस के लिए, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को भी इंडिपेंडेंस के बाद जो है लागू किया गया है. ठीक है, इस तरीके से भारत को, भारत में 18 वर्ष और 18 से ऊपर वाले व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ. चलिए, यहाँ कुछ गांधी जी के कुछ वचन दिए गए हैं, आइए इनको पढ़ा जाए. गांधी जी रोट इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931. 1931 ईस्वी में गांधी जी ने जर्नल यंग इंडिया के लिए लिखा था, आई कैन नॉट पॉसिबली बेयर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड गेट द वोट, बट अ मैन हु हैज़ गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट, और दैट अ मैन हु ऑनेस्टली वर्क्स बाई द स्वेट ऑफ हिज ब्रो day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man. Gandhi ji कहते हैं कि मेरे मन में कभी यह विचार नहीं आया कि एक व्यक्ति जिसके पास धन है उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं हो, लेकिन बट मैन हु हैज़ गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी, लेकिन वह व्यक्ति जिसके जिसका व्यवहार, जिसका चरित्र अच्छा हो और जो जिसके पास धन नहीं हो, पढ़ा लिखा भी नहीं हो, तो उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही. गांधी जी इसकी आलोचना कर रहे हैं यहाँ. और दैट अ मैन हु ऑनेस्टली वर्क्स बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो डे इन एंड डे आउट, और वह व्यक्ति जो ऑनेस्टली दिन रात जो है एक करके काम करता है, मेहनत करता है, शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन, उसे वोट देने का अधिकार उस व्यक्ति को इसलिए प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि वह व्यक्ति गरीब है. ठीक है, गांधी जी यहाँ पर जो है भारत में जो वोटिंग सिस्टम था उसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं. उसके बाद है वीमेन सफ्रेज, सफ्रेगेट मूवमेंट. वीमेन ने जो मूवमेंट दिखाया था, आइए. वीमेन एंड पुअर पीपल अक्रॉस द ग्लोब had to struggle for their rights. औरतें और जो गरीब थे उनको पूरे विश्व में वोट लेने के लिए कई बार संघर्ष करना पड़ा. Voting right was one such right which was not extended to them.
उनमें से एक अधिकार था वोटिंग राइट, जो कि उनके पास तक नहीं पहुंचा। द आर्ग्यूमेंट्स फॉर दिस डिनायल वर बेस्ड ऑन दीज स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडिसेस। ये जो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह जो किए गए ये इन बातों पर आधारित थे। आइए इसको देखें। वीमेन डिड नॉट फाइट वॉर्स, महिलाएं युद्ध में नहीं लड़ती हैं। दे वर टू जेंटल टू गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, वो इतनी नम्र होती हैं, इतने नेक होती हैं कि वो पॉलिटिक्स में भाग नहीं ले सकती हैं। दे डिड नॉट ओन प्रॉपर्टी, हेंस दे पेड नो टैक्स, उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है और ना ही वो कोई टैक्स पे करते हैं। दे लैक द कैपेसिटी टू मेक डिसीजंस, उनके पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो कोई डिसीजन अपने बलबूते ले सके। नेक्स्ट, एज पर द नेचुरल डिवीजन ऑफ लेबर देयर प्लेस वॉज एट होम, अगर नेचुरली देखा जाए तो लेबर को जो बांटा गया है उसको दो भागों में बांटा गया है और इस आधार पर महिलाओं को घर का कामकाज करने के लिए बांटा गया है। इफ दे वर अलाउड टू वर्क आउटसाइड, चिल्ड्रेन एट होम वुड सफर एंड देयर मे बी क्वारल्स बिटवीन हस्बैंड्स एंड वाइफ्स। अगर महिलाओं को बाहर काम करने का अधिकार प्राप्त हो गया तो घर पर रहने वाले बच्चे जो है आपस में झगड़ा करेंगे, उनको कई प्रकार की परेशानियां झेलना पड़ सकता है और हस्बैंड वाइफ्स में भी कई बार झगड़े होने का चांस, होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी। आशा करता हूँ कि आप इन तीनों फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में समझ गए होंगे, मोनार्की क्या है, डिक्टेटरशिप क्या है और डेमोक्रेसी क्या है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग फिर से नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।